गुड मॉर्निंग। आज हम BSR 2 में गज़ल से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि गज़ल का हर शेर या गज़ल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि गज़ल और नज़्म में फ़र्क। वैसे नज़्म की एक किन गज़ल भी है, लेकिन यहाँ पर हम गज़ल के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं और किस तरीके से गज़ल की तारीफ की जाए या बताई जाए। तो गज़ल हम यहाँ ये कहते हैं कि गज़ल का हर शेर जुदागाना होता है, यानी एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। और गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। अगर एक मतले के बाद दूसरा मतला आए तो उसे उसने मतला या मतला सानी कहते हैं। और इसके बाद गज़ल के आखिरी शेर को मत्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। और यह भी देखा गया है कि गज़ल का एक शेर से दूसरे शेर में से कोई ताल्लुक नहीं होता। शायर अपनी बात पहले मिसरे से तैयार कर शुरू करके दूसरे मिसरे में अपनी बात पूरी बयान कर देता है और वो अपनी पूरी बात दूसरे पहले मिसरे से शुरुआत करके दूसरे मिसरे में अपनी पूरी बात बयान कर देता है। एक मिसरे से दूसरे एक शेर से दूसरे शेर का कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे बहुत कम गज़ल में ऐसे बहुत कम शेर शायरी की गई है कि एक शेर से दूसरे शेर का कोई ताल्लुक हो। मानवीय एतबार से ये देखा जाए कि गज़ल है जो अपना शायर कोई भी शायर हो, शायर मीर तक़ी मीर है, गालिब साहब है, इकबाल साहब है वगैरह लोगों ने गज़लें लिखी है और सबकी गज़ल लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ होने के साथ साथ यहाँ पर जो भी गज़लें लिखी गई है इसको मोहब्बत से मुतलिक है, खुदा से मोहब्बत हो, इंसान से मोहब्बत हो, फितरत से मोहब्बत हो, इस तरीके की यहाँ पर गज़लें लिखी गई हैं ताकि शायर जो भी बात बयान करना चाहता है या बताना चाहता है वो पहले मिसरे से शुरू करके और आखिरी मिसरे में अपनी बात पूरी बयान कर देता है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मिसरे से दूसरे मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, यानी एक गज़ल से तो दूसरी गज़ल में कोई बात बहुत कम लोगों ने पूरी की है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि गज़ल अपने आप में एक जुदा गाना सिंफ है। इसमें कोई भी शायर वो अपनी बात पूरी तरह एक दूसरे से शुरू करके दूसरे मिसरे में पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। जो ये देखा गया है कि अपनी पूरी बात दूसरे मिसरे में बयान हो जाती है और उसके बाद अगर गज़ल के बारे में जो आगे तकरीर करेंगे जो अगली क्लास में अगली क्लास सवाल को पूरा करने की कोशिश करेंगे।